वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन हतेजी अहमदपुर ईस्ट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग याद होगा, हमने दो एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर रही हैं, 1.1 और 1.2। उसके बाद लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और इनवर्स ऑफ फंक्शन निकालने के लिए उसके लिए कुछ थ्योरम्स भी प्रूव किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हमारा चैप्टर है फंक्शंस एंड लिमिट्स के ऊपर। हमने फंक्शंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे लिमिट के बारे में कि हम फंक्शन पर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं और उसका क्या तरीक़ेकार है। आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन का चैप्टर। जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन में फंक्शंस पढ़े थे, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 है, यानी कि दो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा इंट्रोडक्शन है हमारा लिमिट्स के बारे में। ठीक है, तो वी अप्लाई लिमिट्स ऑन किस पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात की, जो हम इनपुट देते हैं फंक्शन को, यानी कि एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, उसमें जो एक्स होता है, यानी कि फंक्शन जिसका फंक्शन आ रहा होता है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जैसे हमने वेरिएबल जो हर जगह एक्स यूज़ किया है, वाई का फंक्शन आ रहा है तो वाई पे लिमिट लगेगी। जो इनपुट होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली आप इस चैप्टर में जो लिमिट्स पढ़ेंगे वो हमारे पास तीन किस्म की होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो है। अच्छा, इसको एस आपने पढ़ना क्या है, सबसे पहले लिमिट जो हम इनपुट पे लगा रहे हैं, एक्स पे लगाते हैं, वो किसी डेफिनेट नंबर को भी अप्रोच कर सकती है, ज़ीरो को भी अप्रोच कर सकती है, इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर सकती है। एक्स अप्रोचेस ज़ीरो, आप इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स अप्रोचेस ज़ीरो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास देखें नीचे लिखा हुआ है, या आपको इसको और भी पढ़ सकते हैं कि एक्स टेंस टू ज़ीरो, यानी कि एक्स टेंस टू हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी कि ए कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2, -3, कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि हमने खुद ही बोला है कि हमने जो फंक्शन यूज़ करना है वो रियल वैल्यूड होगा, तो रियल वैल्यूड में जो जो हमारे पास वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास अप्रोचेस टू, यानी कि इन्फिनिटी को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ठीक है, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, करीब करीब पहुंचना, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो इन्फिनिटी के इक्वल है या जीरो के इक्वल है या एक के इक्वल है। ठीक है, तो ये अब बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यानी कि हम पढ़ते हैं तीनों को जो हमने पढ़ा है कि एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स अप्रोचेस टू ए, यानी कि हमारे पास अगर ज़ीरो पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अगर इन्फिनिटी पे अप्लाई कर रहे हैं, सबका अलग अलग क्या मतलब है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास, हम क्या एक्सप्लेन करने लगे हैं, देखें एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो रेड लाइन से लिखा हुआ है मैंने नंबर 1 पॉइंट मार्क करके, उसके नीचे लिखा है सीरीज़। सीरीज़ क्या होती है कि हमारे पास कोई सीक्वेंस आ रही होती है नंबर्स की, और वो किसी एक तरतीब से आ रहे होते हैं, एक अरेंजमेंट से, जैसे उसमें कुछ खास तरीके से ऐड हो रहा होता है या सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है या मल्टीप्लाई हो रहा होता है, डिवाइड हो रहा होता है। जैसे कि ये जो सीक्वेंस मैंने थर्ड लाइन में सीक्वेंस लिखी हुई है, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। ठीक है, तो जिससे नीचे लिखा है मैंने क्या किया, अच्छा अब देखें सीक्वेंस में क्या फ़र्क आ रहा है, हमारे से 2 है, उसके बाद 4 है नीचे, उसके बाद 8 है, 16 है, मतलब किसका डिफरेंस आ रहा है, 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, 4 को नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ गया, 8 को नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आ गया। इसका मतलब है कि नीचे जो डिनोमिनेटर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, आप लोगों ने सीक्वेंसेज इन सीरीज पढ़ी होगी, आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी वाली बात। 1 फिर 1/2, 1/2 का 4 को हमने क्या लिख लिया, 1/2 का स्क्वायर, इस तरह 8 को हमने क्या लिख लिया, 1/2 का क्यूब आ गया, इसी तरह 1/16 को 1/2 की पावर 4, इस तरह करते करते कोई 1/2 की पावर, यानी कि जनरल हमने जो लिखा है, आप लोगों ने सीक्वेंसेस और सीरीज का चैप्टर पढ़ा होगा, आप लोगों को ये बात समझ में आए। तो अच्छा, इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, 1/2 का आंसर आता है 0.5, 1/2 की पावर 4 है, ठीक है, उसका आंसर आएगा 0.25, 1/8 का आंसर, मतलब डिनोमिनेटर क्या बढ़ता जाएगा तो हमारे पास न्यूमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो जो वैल्यू आएगी 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ये वैल्यू क्या रहती है, छोटी होती जा रही है, डिक्रीज़ कर रही है। देखिए मैंने एरो लगा के लिखा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नीचे क्या लिखा है, डिक्रीजेस, यानी कि ये डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ होने के लिए सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो क्या मतलब होगा कि इट अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये ज़ीरो को अप्रोच तो करेगी, यानी कि 0.000 कभी जाके 1 आ जाएगा, 0.00000 का किस तरह बहुत लंबा आंसर आएगा, लेकिन ये ज़ीरो को अप्रोच तो करेगी, लेकिन ज़ीरो के कभी भी, बट इट इज़ नेवर इक्वल टू ज़ीरो। ये जो भी सीरीज के सीक्वेंसेस पढ़ते हैं इसमें आंसर हमेशा हमारे पास
क्या है, ज़ीरो को अप्रोच करता है, फॉर एग्जांपल अगर वो डिक्रीज हो रही है. इन सच अ केस वी यूज़ द टर्म, हम इन केसेस में जिस वजह से ये सीरीज़ हमारे पास लगी हुई है, इस सूरत में हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, हमारे पास जो आती है कि जो हमारे पास नंबर है या जो सीक्वेंस है वो क्या कर रही है, यानी कि अप्रोच जो कर रही है ज़ीरो को, इस इन सूरतों में हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं. एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब हम लिखते हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो. लेकिन जब एक्स एरो लगा के आगे लिखते हैं ज़ीरो, इसका मतलब है एक्स इज़ अप्रोचिंग टू ज़ीरो, इट इज़ नॉट ज़ीरो. जो स्टूडेंट्स को ये बात समझने में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो यही होती है, कोई ये समझते हैं कि हमारे पास कि ये ज़ीरो को अप्रोच तो कर रही है, ठीक है, ज़ीरो के वो समझते हैं ज़ीरो के इक्वल है. ज़ीरो हम सिर्फ लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हमारे पास ये कि इसकी वैल्यू ये आएगी. लिमिट भी हम अप्लाई करते हैं फंक्शन के ऊपर, हम इनपुट देते हैं कोई हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिमिट लगाते हैं कि सपोज टू ज़ीरो हमें कोई आंसर मिलता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास वो आंसर उसके इक्वल आ गया. हम कहते हैं कि जब एक्स इस वैल्यू को अप्रोच करता है तो हमारे पास फंक्शन की लिमिट ये बन जाती है, फंक्शन को लिमिट कर रहे हैं कि एक ख़ास एक्स इनपुट की लिमिट देते हैं आउटपुट की, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है. तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि अप्रोच करने में और इक्वल होने में क्या फ़र्क है. अप्रोच का मतलब है नीरली इक्वल या उसकी बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं, ठीक है. तो एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है, जैसे हमने पहले डिक्रीजिंग सीक्वेंस ली थी, अब हमने ये एरो लगा के देखे मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है. तो इसमें कोई वन है, फिर टेन है, अगर हंड्रेड आ जाए, थाउजेंड आ जाए, इसका मतलब हम टेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. वन टेन एज टू पावर वन आ गया, टेन एज टू पावर टू, ये सिंपल सी सीक्वेंस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो अप टू सोन टेन एज टू पावर इन, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. इसका मतलब क्या है कि करते करते के टेन की पावर कोई हमारे पास थाउजेंड आ जाएगी, फिर टेन की पावर कोई हमारे पास टेन थाउजेंड आ जाएगी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पावर्स आएंगी, इतने नंबर होंगे, यानी कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या बढ़ रही, क्या कर रही है, बढ़ रही है. बढ़ने का मतलब है कि ये अप्रोच करेगी किसको, कम होने का मतलब है कि ज़ीरो को अप्रोच करती है, और ज़्यादा होने का मतलब है कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, यानी कि बहुत बड़ा आंसर आएगा. इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बहुत बड़ा आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है. तो इसका क्या मतलब होगा कि अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका भी यही मतलब है. जहाँ पे भी अप्रोच का मतलब आएगा कि वो उसका ये मतलब होगा कि हमारे पास वो जीरो इन्फिनिटी या कोई भी नंबर ए है उसको अप्रोच तो करेगा लेकिन उसके इक्वल नहीं होगा. तो इन्फिनिटी को अप्रोच करने का क्या मतलब होता है, जब कोई वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा क्या आ रही हो, बड़ी आ रही हो, ठीक है. तो अब जब हमने ए पढ़ाया, ए को कैसे अप्लाई करते हैं, तो कोई हमारे पास स्पेसिफिक नंबर होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स. अब देखें यहाँ पर मैंने एक्स के अंदर क्या हाईलाइट करके लिखा हुआ है, इनपुट है, और ठीक है, और एक्स ये आगे एरो लगा के ए है, इसका मतलब कि एक्स अप्रोचेस ए, हाँ जहाँ पे भी आएगा आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स, एक्स इनपुट, एक्स अप्रोचेस टू ए लिमिट है, इज इक्वल टू एल. एल का मतलब है कि कोई आंसर आ रहा है, हम कोई एग्जांपल लेंगे नीचे आप लोगों को समझ आ जाएगी. जैसे जैसे इसका क्या मतलब है, एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, और एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, एल को अप्रोच करेगा. तो यानी कि ये क्या हो गई, हमने फंक्शन की लिमिट, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस ए, इसको क्या पढ़ते हैं कि ये एल क्या है, लिमिट ऑफ द फंक्शन है एज एक्स अप्रोचेस ए. इसको आप मतलब जब पढ़ते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास लिमिट ऑफ द फंक्शन, एल इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन. जब हमारे पास ऐसे लिखा रहा हो, कोई आंसर आ जाए, लिमिट अप्लाई करें, कोई फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट करें, कोई ना कोई आंसर मिलेगा ना आपको, लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस ए, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, एल इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन. ये जो हमने लिखा हुआ सबसे ऊपर पहली लाइन में कि क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, जो मैथमेटिकल लिखा उसका क्या मतलब है, एल इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है, यानी कि जब एक्स क्या करता है, ए को अप्रोच करता है, ठीक है. एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नीचे देखें लिखा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस टू ले लिया आपने, ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू टू, ए की वैल्यू आपने टू दिए, कोई लिमिट लगाई है, ठीक है, टू एक्स प्लस टू था, आपने उस पर जब लिमिट लगा दी, ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि जब आपने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू एफ फंक्शन की पहले सबसे क्या पहले स्टेप में क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं. वैल्यू पुट करने के बाद आपने क्या करना है, जब लिमिट जब आपने एक्स की जगह देखी नीचे आकर टू पुट कर दिया ना, टू इंटू टू प्लस टू, लिमिट का मतलब है हम वैल्यू दे रहे हैं एक्स को अंदर, ठीक है. जब आपने वो वैल्यू दे दी अंदर, तो आपने अब क्या करना है, लिमिट का काम हो गया खत्म. अब आपने साथ में ये याद रखना है, लिमिट कभी भी नहीं लेनी. कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि लिमिट पुट करने के बाद भी लिमिट साथ में चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, ठीक है. तो इसमें यही है कि हमारे पास जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप ये देखें जो मैंने लिखा हुआ है, पहले लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू, सेकंड लास्ट जो स्टेप है हमारे पास इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू. इसके नीचे जो मैंने स्टेप लिखा है उसमें टू इंटू एक्स की जगह टू लिख दिया, प्लस टू साथ में लिमिट में नहीं लेके आई, ये देखिए ना इसमें क्या है, टू इंटू टू प्लस टू आ रहा है हमारे पास, तो इसमें लिमिट नहीं आई नेक्स्ट. तो यही आपको बात बतानी थी, और आगे फिर ऐड करके जो भी आंसर आएगा उसको आपने निकाल लेना है. तो आपने क्या करना है
कि जब आपने लिमिट अप्लाई कर लेनी है तो फिर उसको मेंशन नहीं करना साथ में, ठीक है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हमारे पास कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमारे पास जो फंक्शंस, जैसे फॉर एग्जांपल फंक्शंस में हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हों, सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों, डिवाइड आ रहे हों, उनकी पावर आ रही है, ठीक है? तो आपने उस सूरत में लिमिट्स कैसे अप्लाई करनी है और उसके रूल्स क्या क्या हैं, ठीक है? आज आगे वो डिस्कस करने लगे हैं।